गुड आफ्टरनून। चैप्टर टू व्हाट इज द पॉलिनोमियल, नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा तो है, सब लोग ज्वाइन कर लिए हो कि नहीं कर लिए? गुड आफ्टरनून। कुछ ब्लड जैसा है, ओके, गुड आफ्टरनून। What is the polynomial? Okay, okay. Let's start. This is the quite easy chapter. काफी आसान चैप्टर है और काफी कुछ इसमें हमें सीखने को मिलेगा और लास्ट में जो फैक्टर थ्योरम्स है, रिमाइंडर थ्योरम्स, उस पर भी हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले आती है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो कोई भी पॉलिनोमियल है वो जिस वेरिएबल में है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है या टी में है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। इन एनी पॉलिनोमियल को पीएक्स इग्नोर करते हैं, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वो हमेशा डिग्री होती है। क्लियर। अब यहां पे जो पॉलिनोमियल है अगर वो एक्स वेरिएबल में है तो पी एक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा, वाई वेरिएबल में है तो पी वाई कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं और डिग्री लेते हैं, 3x5 4x³ + 7 इज इक्वल, लेट्स से दिस इज द पी एक्स, दिस इज पी एक्स। ठीक है, तो व्हाट विल द डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी, कमेंट करके बताइए जल्दी से। व्हाट विल बी द डिग्री। गुड आफ्टरनून। ठीक है, हम लोग सेकंड पे हैं, वन बाय वन चलते चलेंगे। आपके स्कूल में काफी रैंडमाइजेशन में चलता है, कोई इशू नहीं। इसकी डिग्री बताना है आपको, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो डिग्री क्या है ये, जल्दी बताओ।
what will be the degree of the polynomial? एक आंसर आया मेरे पास, बाकी सेकेंड लेट्स से टी एक्स इज इक्वल टू 7x4 प्लस 3x2 प्लस 5x प्लस 2, सो व्हाट विल बी द डिग्री, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? यहां पे x की पावर क्या है, 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, यहां पे x की पावर 4 है, सो इट विल बी 4 डिग्री सर, 5 डिग्री 5. नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिग्री 4 है, 7x4 प्लस 3x. गुड, अब यहां पे कई चीजें आएंगी, सबसे पहले आएगी लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. दिखाई दे रहा है आज तक? इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, अभी ओके. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. व्हाट अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल? नाम है, याद होने चाहिए. Polynomial with degree how much? 3 is called cubic polynomial. इस तरीके से जितने भी हैं सब बन सकते हैं. एक और लिख लेते हैं हम लोग, biquadratic polynomial. हालांकि usually इतना ही पूछा जाता है NCERT में. Polynomial with degree 4 is called bi matlab 2, quadratic matlab 2, so 2 and 2 4, biquadratic polynomial. Clear hai? जहां पे maximum power 1 होती है उसको linear बोलेंगे, मैक्सिमम पावर 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, मैक्सिमम पावर 3 आ गई तो क्यूबिक बोलेंगे, मैक्सिमम पावर 4 आ गई तो ट्रायंगुलर. ओके, मैक्सिमम पावर 4 आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. क्लियर है? इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इस पे और बहुत बढ़िया से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, और सब क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं तो बस बताऊंगा. नोट डाउन करिए, साइड हटना पड़ेगा. ठीक है, यार लास्ट में हर जगह पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर लीजिए. डू इट फास्ट. नोट डाउन शेयर.
लेट्स सी किसका पहले काउंटडाउन होता है। वेरी गुड श्रेयांश, बाकी है चलो नोट करो स्लोली स्लोली, बट सही लिखना परफेक्ट। जो भी मेरे क्लास में पढ़ाई जा रही है जस्ट आफ्टर द क्लास आई नीड द पीडीएफ ऑफ दैट थिंग दैट यू हैव नोटेड डाउन। और यस सर, ओके सर, यस सर, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है चीजें ऑनलाइन, लेकिन स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जितना भी आज का क्लास वर्क है उसकी एक पीडीएफ मुझे मिलनी चाहिए। सर आई थिंक यू हैव मेड मी डू दिस, नो बेटा, यू स्टडीड पॉलीनोमियल इन द 9th स्टैंडर्ड, दैट्स द रीजन यू आर आस्किंग मी। ये मैंने पढ़ाया था आपको 9th में, 9th में भी पॉलीनोमियल चैप्टर था, नॉट इन द 10th वन। ओके, पॉलीनोमियल वी स्टडीड अप टू क्लास 9th, नॉट ऑफ द 10th। 9th में भी मैंने पढ़ाया था तो काफी चीजें डीप में पढ़ाया था, तो 10th के थोड़े बहुत कंसेप्ट आ गए थे, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। इस सेशन में पॉलीनोमियल नहीं पढ़ा था, लास्ट सेशन में आपको पढ़ाया था। Not for the today's class, for every day. Daily daily मैं बताऊंगा नहीं, जब भी क्लास खत्म हो उसके बाद जितना भी आपने वर्कआउट किया है वो आप मुझे भेज दीजिए। हो गया सबका डंडन आ गया, नोटेड सर आ गया, श्रेयांशु इज नॉट आंसरिंग माई क्वेश्चन। ओके, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 रैंडमली। तो ये क्या है, दिस इज द क्यूबिक पॉलीनोमियल, सिंस हाईएस्ट पावर ऑन x इज 3, इट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। इसी थोड़ा और देखते हैं। नाउ लेट्स से फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, इट विल गिव अस, पहले 2 डालते हैं जानबूझकर, फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 इट विल बिकम पी 2, दैट इज 2 क्यूब, 3 टाइम्स 2 स्क्वायर, 3 टाइम्स 2 माइनस 1, 8, 12, 6, minus 1.
8, 16, 14, 14 minus 3, that comes out to be 1. So, P2 is equal to 1 is value of Px and x is equal to 2. ठीक है, तो P2 क्या है, Px की वैल्यू है, कब, जब x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं. अगर इसी तरह 3 पुट करते तो यहां पे क्या था, 3 P3 आता, वो क्या होता, Px की वैल्यू at x is equal to 3 करके लिखा है. ठीक है, for x is equal to 3 P3, x की जगह 3 पुट करना भाई, 3 क्यूब 3 स्क्वायर 3 माइनस 1. Now I need to write it. कितना हो जाएगा बच्चा, 27, 3 स्क्वायर 9, 27, 9 माइनस 1, सो टोटल 8. सो P3 इज इक्वल टू 8 इज वैल्यू ऑफ Px एट x इज इक्वल टू 3. x की वैल्यू 3 डालने पे जो वैल्यू आती है उसको P3 बोलेंगे, x की वैल्यू 4 डालने पे जो वैल्यू आएगी उसको P4 बोलेंगे, x की वैल्यू 10 डालने पे जो वैल्यू आएगी उसको P10 बोलेंगे. अगेन लेट x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो वी विल गेट P1, x की जगह 1 डालेंगे that is 1 minus 3 plus 3 minus 1 is equal to 0. So P1 is equal to 0 is value of Px at x is equal to 1. x is equal to 1 पे क्या हो गया, उसकी value क्या निकल के आई, 0 निकल के आई. यहां पे थोड़ा नोट बना के लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पी एक्स. फॉर एग्जाम्पल, फॉर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, x इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ px. क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालने पर p1 कितना हो गया, 0 हो गया. अरे भैया तुम मैथ्स पढ़ लो, मैं जिनको लिंक भेजता हूँ वो लोग ज्वाइन करते हैं. ठीक है, लिंक तुम्हें नहीं भेजूंगा तुम नहीं ज्वाइन करोगे. ठीक है ना, तो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने भाई बंधु हैं. है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूं या समझ में आ गया, पहले बताओ, डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन या 100% समझ में आ गया, 60-70 वाला कंप्लीट नहीं आता मुझे, पूरा 100% समझ में आ गया तो बोल दो, नहीं तो बोलो तो मैं एक बार सारी चीजें फिर से एक्सप्लेन कर दूं. बोलो बोलो बोलो, समझ आ गया सर पूरा. इतनी जल्दी जल्दी समझोगे तो पूरा चैप्टर एक ही दिन में खत्म हो जाएगा. थोड़ा तो बोला करो कि नहीं समझ में आ रहा है. या दैट्स माय फेवरेट चिल्ड्रन. यस सर, प्लीज रिपीट इट अगेन. एंड दैट्स हिज पेट डायलॉग आल्सो, एकदम फिक्स डायलॉग है. थोड़ा सा भी तो शॉर्ट में लिखा है ना, सर कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन. ठीक है, लेट पी एक्स इज ए, मैंने अपने हिसाब से कोई पॉलिनोमियल में ले लिया, x cube minus 3x square plus 3x minus 1. The highest power on x is 3, तो इसका नाम क्या बोला जाएगा? इसका नाम हर जगह हम क्या बोलेंगे? Cubic polynomial. इसको क्या बोला जाएगा? Cubic polynomial. That's it. उसका काम यहीं पे खत्म हो गया. अब x की अलग-अलग वैल्यूज पे अलग-अलग आंसर आएंगे. तो अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखा, तो हमें क्या मिलेगा? P2 मिलेगा. P2 मतलब x की जगह 2 रखो, तो ये p2, 2 का क्यूब 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2 माइनस 1, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 प्लस 6 माइनस 1, कितना गया 1.
So p2 is equal to 1 is value of px at x is equal to 1. The same way x की value 3 डालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? p3 मिलेगा. x की value 3 डालें, 3 cube, 3 into 3 square, 3 into 3 minus 1. तो solve किया तो हमें क्या मिला? p3 की value क्या मिली? 8 मिली. कहाँ पे? जब px की value क्या थी? अगर x की value 2 डाले, 3 डाले, तो 1 भी डाल के check कर लेते हैं. 1 डाले तो हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया. p1 कितना मिला? 0 मिल गया. कहां पे? x की वैल्यू 1 डालने पे. तो यहां से एक नया कांसेप्ट सीखने को आया कि 0 11th में 9th में सीखा हुआ है, बट फिर भी अगेन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द px बिकम्स 0 इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलीनोमियल. फॉर एग्जांपल, अगर px अपना x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 है, तो x is equal to 1 डालने पर उसका पॉलीनोमियल कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है. क्लियर हो गई बात? मस्ती मत करो, नोट डाउन करो. नोट डाउन करिए. हाँ सर, डिजिट होती है. मजे ले रहा है. करो करो नोट डाउन. Already noted. Very good. Shreyansh. Noted, Amrit. Noted. Okay. Do it. Take your time. Yeah. Geometrical interpretation. ये जो जीरोज में बोल रहा हूं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ? आइडियोग्राम कंप्लीट हो चुका होगा. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोज. Okay, good, noted. G
geometrical meaning of the zeros for linear function, linear polynomial. Let's say px is equal to ax plus b होता है for zero of px. हम क्या बोलेंगे, px को zero के equal करना है, तो और px की value क्या है, ax plus b है, तो x की value कितनी हो जाएगी, minus b by a. ax is equal to minus b, तो x की value कितनी मिलेगी, minus b by a. क्लियर है? तो जब x की वैल्यू माइनस बी बाई ए है तब ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका ऐसे निकलेगा, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, लेट से दिस इज द काइंड ऑफ थिंग. तो ये x की वैल्यू क्या निकली, माइनस बी बाई ए, y कोऑर्डिनेट जीरो. ठीक है, तो जीरो का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर वो हमारे एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, व्हेन द कर्व द मीट द एक्स एक्सिस, जीरो का जो दूसरा मीनिंग होता है द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर कर्व या ग्राफ जो भी बोले मीट्स द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को जहां पे मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं. नंबर ऑफ जीरोस भी होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ या कर्व जो भी नाम देना चाहे कर्व मीट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नॉट द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को जितनी बार मिलेगा उतने उसके जीरोज होंगे. जहां पे मिलेगा वो जीरो होगा, जितनी बार मिलेगा उतने जीरोज होंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्राफ बनाता हूं मैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दो, क्योंकि दो जगह एक्स एक्सिस को मिल रहा है. ये बात समझ में आ गई. सेकंड, नाउ यू कैन सी वन टू थ्री प्लेसेस, सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू थ्री. Now, number of zero is equal to two. तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आंख खोलना है, x एक्सिस को देखना है, x एक्सिस पे अपना ग्राफ कितनी जगह कट किया, जितनी जगह कट किए गए उतने उसके जीरो होंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, दो. ये जरूर लिख दो कि दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x, y, x डैश, y डैश, x डैश. ठीक है, सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू, ओहो बीच में स्क्रीन डर हो गई क्या, ठीक ठीक ठीक, वो थोड़ा दाएं बाएं होते हैं तो बीच बीच में हो जाता है. ठीक है, तो जीरो जहां पे वो एक्स एक्सिस को मिल रहा है, कितने जीरोज हैं, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को मिला. ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देख के हम बताएंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस टू है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस थ्री है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस टू है. क्लियर है, इसको नोट डाउन करना है आप सब लोगों को.
ओके वेरी गुड, समझ में भी आ रहा है ना? सारी चीजें 100% क्लियर होनी चाहिए। डन, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर वन, द फर्स्ट पार्ट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन एंड द ग्राफ लाइक दिस। सेकेंड वन, x dash y dash origin and the graph looks like, graph ko black color se kar deta hu main, मैं करा रहा हूँ 2.1 के सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ। आप लोगों को नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है मैं सब कर रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है आपको। एक्स एक्सिस साथ में नोट करते जाओगे तो अच्छा भी रहेगा। द फोर्थ वन, आपको ब्लैक से कर दूं, फिफ्थ वन, ओके ब्लैक से नहीं है कोई बात नहीं।
Now the sixth one. X-axis, y-axis, x dash, y dash, origin. यहाँ पे कैसे चल रहा है? नीचे से आ रहा है, टच किया, नीचे से आया, टच किया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया और टच करके ऊपर चला गया. तब तक नहीं किया है, नहीं किया. Okay? Now tell me, find the number of zeros. क्या निकालना है? Number of zeros. ये ग्राफ अगर देखेंगे तो ये जो ब्लैक लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट कर रही है क्या? एक भी जगह नहीं कट कर रही है. तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? जीरो. व्हाट अबाउट दिस? ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह. नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? वन. ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहे हैं? वन टू थ्री. सो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? थ्री. ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है ग्राफ? दो जगह. सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू. ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? वन टू थ्री फोर. सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू फोर. यहां पर ध्यान देना है, एक एक दो तीन. So number of zero is equal to three. Getting it or not? Sub questions के आंसर मैंने लिख दिया. Clear है? Exercise 2.1 all completed. सारे questions के आंसर यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं. आधा चैप्टर तो खत्म ही हो गया और 100% समझ में आ रहा है. 95% से काम नहीं चलेगा, 100% समझ में आना चाहिए. कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं इसके बाद आप लोगों को दूंगा अभी करने के लिए. इतना नोट डाउन कर लो. वेरी गुड. कहीं पे कोई दिक्कत है तुरंत बताओ. Very good, very good.
हो गया। ऑल क्लियर सर। 95 मिनट, 5 मिनट कहाँ चला भाई बता सर। वो 100% तो समझ में आ गया था, लेकिन वो 5% इतना डिस्टेंस है कि उसकी वजह से नहीं समझ में आया, फॉरेन एक्सचेंज में उसकी वजह से। So now, some extra questions. Number of zeros. 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 थोड़े खतरनाक डायग्राम बनाए हैं, बट अब आपको ही बताना है कि number of zeros कितने हैं। ऐसे आपको लिखना, फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का आंसर ये है, ठीक है। व्हाट विल द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन, इसमें कितने जीरोज हैं। आपको एक ही चीज ऑब्जर्व करनी है, एक्स एक्सिस को देखना है, ब्लैक कलर एक्स एक्सिस को जितनी जगह मीट कर रहा है उतने उसके जीरोज होंगे। आप आंसर बताइए मुझे, फिर नोट डाउन करिए। So first is 6, okay, let me see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, very good, second, 1, 2, 3, 4, 5, genius, next, second ki baar aage, सेकेंड का फिफ्थ, थर्ड का टू, वेरी गुड। पत्रो, थर्ड में देखो, 1, 2. What about fourth one? Fourth में कितने हैं? Fourth one, very good. मुझे लगा कि आप लोग इसको काउंट करोगे। Exactly, ग्राफ चाहे जैसा भी हो, कर्व चाहे जैसा भी हो, x एक्सिस को कितनी बार मीट कर रहा है, 1, सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1।
फिफ्थ आंसर थ्री, वन टू थ्री, वेरी गुड। व्हाट अबाउट सिक्स? सिक्स द आंसर इज वन। एक्स एक्सिस को जितनी जगह मीट किया वो अपना आंसर। ओके, अब इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे डायग्राम बनाए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्कआउट करेंगे जीरोस एंड कोफिशियंट्स, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो और उनके कोफिशियंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम लोग करेंगे, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो। ये तीन हमारे सिलेबस में है, लेकिन मैं बाइक्वाड्रेटिक भी आप लोगों को कराऊंगा। क्लियर है? एक बार जल्दी से नोट डाउन करिए और अपडेट करिए मुझे। और नेक्स्ट थिंग, सबमिट द पीडीएफ जस्ट आफ्टर द क्लास, व्हाट एवर यू हैव नोटेड डाउन, मुझे पता चलना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, दिलवा दो वीजा वगैरह, मैं ही आ जाता हूँ वहीं पे, फिर 100% कंप्लीट हो जाएगा। So, जितना भी पढ़ाया गया है, जितना आपने नोट डाउन किया है, उसका पीडीएफ अभी है, उसकी फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेजना है, केवल इमेज मत डालना। एंड डू रिवाइज द थिंग्स। नेक्स्ट इसका जो अगला कंसेप्ट है उसको भी अगर आप लोग चाहो तो थोड़ा सा रीड आउट करना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में समझने में आसानी रहे। क्या समझना है नेक्स्ट लेक्चर में? रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए, आज का सेशन इतने पे ही था, काफी अच्छा था, समझ में आना चाहिए 100%, 95% तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। किसी को कोई डाउट है तो कभी भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट? चलिए ठीक है, सेंड मी द पीडीएफ, विल सी ऑन द नेक्स्ट क्लास। Okay, bye-bye.